अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वाके भलीकार त चाहूं। नाज़रीन, 9 मई खां पोए सियासी टेम्परेचर तमाम घणो गरम थी चुको आहे ऐं मुसलसल जेके बैक टू बैक डेवलपमेंट्स थी वन उहे पिण माहौल के थदो त न करे सघियूं आहिनि, पर वितर माहौल गरम थींदे नज़र अचे पियो। इन गरम माहौल में कुझु सलाहूं बि साम्हूं अचनि पियूं, कुझु तजवीज़ूं बि साम्हूं अचनि पियूं त धुरियुनि खे हिन माहौल में तमामु घणो ख़तरो बि आहे, मुल्क खे ख़तरो आहे, इदारनि खे ख़तरो आहे। हीउ शदीद जेको टकराव वारो माहौल आहे, हीउ तमामु घणा हिन जा ॻरा नतीजा साम्हूं ईंदा, त इन करे अहिड़ियूं तजवीज़ूं साम्हूं अचनि पियूं त धुरियुनि खे सोचणु खपे हिन पासे खां ऐं गॾिजणु खपे, वेहणु घुरिजे, गॾु थी करे ॻाल्हियूं करणु घुरिजनि। उन खां सवाइ अव्हां इहो बि ज़रूरु ॾिठो हूंदो त 9 मई वारे वाक़िअनि खां पोइ रदअमल बि साम्हूं अचे पियो। काल्होके ॾींहं ते हिकु अहम कॉन्फ्रेंस थी, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इन ॻाल्हि जो फ़ैसिलो कयो वियो, ऐलान बि साम्हूं आयो त जिन माण्हुनि पारां फ़ौजी जेके बि प्रॉपर्टीज़ हुयूं, जेके तनसीबातूं जिन ते हमला कया विया, उन्हनि ते जेका कार्रवाई थियणी आहे उन सां गॾोगॾु उन्हनि ते फ़ौजी जेको कानून आहे आर्मी एक्ट तहत बि उन्हनि ते उन्हनि ख़िलाफ़ु कानूनी कार्रवाई थींदी। उन खां सवाइ अॼु नाज़रीन क़ौमी सलामती कमेटी जो अहम इजलास थियो आहे ऐं क़ौमी सलामती कमेटी जे इजलास दौरान बि इन ॻाल्हि खे वरिजायो वियो आहे ऐं ॼाणायो वियो आहे त सख़्त खां सख़्तु जिन निजी प्रॉपर्टीज़ खे नुक़सानु पहुतो आहे, जिन फ़ौजी प्रॉपर्टीज़ खे नुक़सानु पहुतो आहे इन 9 मई वारे ॾींहं ते ख़ासि करे, उन्हनि ख़िलाफ़ु सख़्त खां सख़्तु कार्रवाई कई वेंदी आहे। जोकी प्रोग्राम में उनखे बि डिस्कस कंदासीं ऐं जेके हीउ मुख़्तलिफ़ तजवीज़ूं मामला साम्हूं अचनि पिया उनखे बि प्रोग्राम जो हिसो बणाईंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे, तारुफ़ सां कराईंदसि। मूंखे जॉइन कयो आहे नाज़रीन हिते स्टूडियो में नामियारा कानूनदान तज़िया निगार आहिनि जावेद काज़ी साहब, मूंसां गॾु कराची स्टूडियो में मौजूदु आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि नवाब अली वसाण साहब, मूंसां गॾु फ़ोन लाइन ज़रिए शरीक आहिनि प्रोग्राम में लाल माली साहब, पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ जा सीनियर अॻवान आहिनि मूंसां गॾु हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि, ऐं सिद्दीक़ुल फारूक साहब, मुस्लिम लीग नून सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम में शरीक आहिनि। मां सभिनी खे भलीकार चवां थी, हिन प्रोग्राम में वेलकम कयां थी। मुंहिंजी इजाज़त सां कंहिं सभु मां खां ई प्रोग्राम जो आगाज़ कंदसि ऐं ज़ाहिर आहे जेके डेवलपमेंट्स ॾिसो पिया मां साम्हूं अचनि पियूं, नज़र अचे पियो, कीअं ॾिसो पिया नज़र अचे पियो, तमामु ॾुखियो वक़्तु हिन वक़्तु पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ लाइ बि नज़र अचे पियो। खोड़ मुतालबा बि थियनि पिया, ॻाल्हियूं बि थियनि पियूं। ख़ुदि जेको रदअमल साम्हूं अचे पियो उनजे अगेंस्ट PTI इहो मौक़िफ़ ॾिए पई त हीअ हिकिड़ी मुनज़िम रिथाबंदी थी आहे, हिकु मुनज़िम साज़िश थी आहे, एहतजाज जो रिएक्शन अचणु फितरी अमल हो, पर जेको हीउ कुझु थियो आहे हीअ असां ख़िलाफ़ु साज़िश आहे। छा चवंदा? साज़िश त हिननि पंहिंजो ख़िलाफ़ु पाण कई आहे, आबेल मुझे मार। हिकिड़ी आर्टिफिशियल हेचरीअ मां जीअं मुर्गियूं कढबियूं आहिनि, हीअ हिकिड़ी सिस्टम डिज़ाइन करे हिकिड़ी लीडरशिप ठाही वई पाकिस्तान जी डेमोक्रेटिक फोर्सिस खे काउंटर करण लाइ। हुन में जनरल पाशा, जनरल ज़हीर उस्लाम, फैज़ हमीद, बाजवा, हिकिड़ी हुननि जी हिकिड़ी हुनजी ठहियल हुई। हाणे ॻाल्हि इहा आहे न जीअं जेका पाण खे सम्झणु घुरिजे त पहिरियों राउंड मुंहिंजे ख़्याल में, आउं तव्हां सां गॾु हिते वेठो हुउसि, आउं सभु ॿुधायो पियो, मूंखे का वही त कान नाज़िल थी, मूं चयो चारि पंज ॾींहं में कुझु थिए पियो, उहो थोरो महज़ इतफ़ाक़ थी वियो। बहिरहाल नाओ देट उहो राउंड ख़तमु थी वियो, जेको ख़तरनाक भंज ड्रा वग़ैरह थियणी सां थी वई। हाणे उहा भंज ड्रा जा जेके नेक्स्ट स्टेप्स आहिनि, ॾिसो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इमरान ख़ान साहब खे मख़सूस जजनि जी हिमायत हासिलु आहे। लाहौर हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऐं सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस, उन सां मेजॉरिटी अलाए आहे अलाए न आहे, पर माना बेंचूं बेंचूं ठाहे सघनि था त उहे हिन में, ऐं उन्हनि जजनि साहिबनि जो वरी जेको आहे सो को हिकिड़ो तमामु गहरो ऐं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ लॉ वञी सॼी जेका सुप्रीम कोर्ट आहे उनखे स्कैंडलाइज़ करे विया। पहिरें राउंड में जीअं हुनखे इस्तीफ़ाऊं मिलियूं, उहे क्राइम्स जेके तो न बि कया उन में बि तव्हांखे इस्तीफ़ाऊं मिली वियूं, त हाणे हीअ त तमामु ख़तरनाक सूरत हाल थी वई। रियासत त तमामु मजबूर थी वई, कोर कमांडर जा घर बि सड़ाए वेंदासीं, जहाज़ बि सड़ाए वेंदासीं, हिंदुस्तान जे मोदीअ खे तमामु ख़ुशि कराए वेंदोसीं। जेके पाकिस्तान जा चार पंज दुश्मन आहिनि उनजो कमु त तमामु भलो थी वियो। हाणे सेकेंड राउंड छा हो? सेकेंड राउंड नाज़िया जेको आहे सो जेको अल्ताफ़ हुसैन जेको पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु नारा हणंदो हो, जेको अल्ताफ़ हुसैन तमामु ॻाल्हाईंदो हो, हुते हिकिड़ो असांजे उर्दू स्पीकिंग दोस्तनि में जेको आहे उहो पाकिस्तान टोड़ण जा ख़्वाब विधई ऐं पोइ अलाए छा छा विधई। हुननि पंहिंजे यारनि खे जेको आहे ॾाढो फारूक सत्तार में स्ट्रेंथ त हुई कान, जो हुन सां गॾु एॾे रेडिकल थी बीहनि। अहिड़ा घणेई आहे जेके जेके आहिनि से कोन बीह सघनि पिया रेडिकल थी। असांजे अल्ताफ़ हुसैन सां हाणे अॼु ख़बर पई आहे त हिकिड़ो MNA भले वियो आहे,
माली साहब तो बेहद माली साहब जो आ तमाम प्यारो मानू आ आखिर तीन बेहद अल बेहद अल को बेहद जैदी साहब थोड़ा सो शशपंज है इन मशीन हुई का सोशल मीडिया थी सी आर्टिफिशियल पॉपुलरिज्म तक न अगमी तक पे वही रिकॉर्ड कर मिसरीड तो को क्या पे आई हैव बीन डिटरमिन्ड कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू हि आर्टिफिशियल पॉपुलरिटी है हि को भी हाँ इन इलेक्शन वो मामलो भी खत्म थो हाँ इन असेंबली डिजॉल्व वो मामलो भी खत्म थो हाँ तो हिंदो गदारी जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट एंड आई विल बी फर्स्ट वन टू प्रोटेस्ट दैट एनी सिविलियन बी ट्राइड इन द मिलिट्री कोर्ट असि ना चाहिए तो को भी सिविलियन जो मिलिट्री कोर्ट में न ट्राई किया वे बाकी साहब आर्मी एक्ट ना साहब ठीक आर्मी एक्ट कैसा जैसे ऑडियंस की भी जो बुधंदड़ व्यूवर्स ऐसंदड़न उन्होंने भी नॉलेज लाए तो आर्मी एक्ट चाहे तो खास कर जी अवा भी गाल की सिविलियंस खिलाफ कार्रवाई थी सके थी इन एक्ट तहत वे जो सजा होंद वे किथे के फोरम ते या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज थी सकंदी वे अपील में थी सकंदी ठीक जो का 20th अमेंडमेंट या 21st अमेंडमेंट या जो को भी कुछ है उन में जो को पेशावर वाला वाक्यो थियो उन का पो उन जो अपील भी जका ऐसा मुझे ख्याल में शायद काना हुई जी ही इनके वकील मिलंदो ये मिलिट्री कोर्ट में केस हलंदो इन में जमानत वगैरह का कान थी है जो जमानत वो न हो एलिमेंट वो इज अगेंस्ट दी फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जमानत हर कें जो राइट है ठीक है सो वह मिलन घुर्जे पर जी तो कानून साहब पान ठा है तो उनमें जमानत वगैरह कान अपील है वह जगह अगर जो हाँ जिनके आए वो जमानत दियन पाया थोक के भाव से होलसेल में हाँ उदा अल को तो हाँ वह मिलिट्री कोर्ट जो सिविलियन के ट्राई कर सके थी जो गलत है वह बी शो फंडामेंटल राइट्स की लताड़ है वह बी शे पर ट्राई कर सके थी तो को भी जो न सुप्रीम कोर्ट न हाई कोर्ट में कें पटिशन भी दी है तो योजना सो फंडामेंटल राइट्स या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कन्फ्लिक्ट में आए तेरे इनके सो हटाया वे वो लॉ प्रिवेल करे पो पे पूरे आबो ताब से उन में घणई दोस्त मुझे ख्याल में वींदा वेरी अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टी इन्वेस्टमेंट्स हुई खान साहब तो फास्ट बॉलर हो को बाल के कद टेम्पर बेनजीर भुट्टे की पेशन कोई सही साबित थी कि भले सियासत में अचे पर टेम्परिंग अला कर न कर इन ताई जो सो सोशल मीडिया में भी करोड़न जो लाइकिंग हुई जैसे मानू बड़ा आशिक लगा पे आखिर में जो सो नौजबुला नौजबुला बिलाल वो सख्त जो पॉलिसीज हुए मामला हुए जो अगवाणा उनके इम्तिहान में फिलहाल नजर पे अचन तकरीबन लाल साहब भी सदा गद नवाब साहब सिद्दीकुल फारूक साहब लाल साहब हवा वीस जावेद साहब गाल कुछ बेन भी खदशन जो इजहार किया सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ला दुख्य वक्त भी है खुद जो उन पॉलिसी रही मामरा रहा हि दुख वक्त हि जन वक्त अगवाण इम्तिहान में नजर अचन ही उनको नतीजो भी है कें ऐसो पे पूरी सूरत हाल के यो भी प्रिडिक्ट पे वे तो जो इंदड़ वक्त हों अज महमूद मौलवी साहब नजर आया पर हि लिस्ट डिघी है एक खतरनाक तकसीम पीटीआई अंदर थी सके थी नाजिया मुझे आवाज अचे पे बिल्कुल अचे वक्त हालात वही सिचुएशन तमाम खराब आने के करो तो जो जावेद साहब गाल कई तमाम वही जाहरी वो सजो उनके नजर आल के पॉइंट आउट किया उ सब शूं सामू अचन पो ढो मोड़ आई कंडीशन आ मुझे ख्याल में यो वाकई जो दुश्मन न करे इन्हे घर में वही घर के तबाह कर जीएसक्यू में वही उनके इदार के माना एक ललकार जो चो मतलब एक सिचुएशन पैदा कई है जी मतलब दुश्मन के कदें ताकत न थे भली भी वे एडो वो न थे जो इन कर दिखार तो इन वक्त जी सिचुएशन आ तमाम खराब जी सो सियासत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सब का अहम रोल रो खास कर आसिफ अली ज़रदारी साहब जो
इन मरल इनशाला सीधो रसो निकल पर पीटीआई लाइन वक्त ढो दुख वक्त आने के जो है सब जे इन मिनिस्टर हुआ एम एन एम पी हुआ उ सब उन शवॉल्व इनवॉल्व ये तो किथों कहीं वीडियो थी अचे किथों कहो छापो अचे किथों कहो माना इन इन सबूत यो आ खान साहब भी इनवॉल्व है खान साहब के चवण से सब कुछ थो यो चवण तो मुझे मोबाइल फसे वो मुझे सब शूं फसी व्यू या प्लानिंग हुई कुछ टाइम पे अग का मतलब पंज अठ महीन का वी जी इन की हुकूमत वही तो इनकी प्लानिंग हुई तो यो कस खबर ना है हाँ इनके कैदी एडी वही ताकत हुई जाहरी ताकत दुश्मन मुल्क की भी सके सब का वही गाल जुडिशरी की वही सपोर्ट आ तो कानून बदकिस्मती से पाकिस्तान में कानून कदें सही हल्द कदें उबतड़ हल्द इन के कदें कें इंसाफ मिले तो कदें कें इंसाफ भी को तो मिले इन सब कानून कोई से हटाए कर सब कुछ आसान तरीका इस्तेमाल किया गया अड़ा इस्तेमाल किया गया जो जज साहब चे तो गुड सी यू माना तवे ऐसी खुशी थी मतलब एक दुखोईंदड़ तो जज साहब अगर ये चे कंखे असा वो बो वे तो उनके ठो भी नो वे तो हि भी को इंसान आ हि भी को इन जो केस हों भी को इन पाकिस्तानी आ तो मसलो यो आत जी हालात इन वक्त जी सिचुएशन आधी वर्स्ट आई ऐसो जैन मुल्क के आजाद करायो खास कर कायदे आजम के घर के साड़े वो जो कदें ये नो जो बेदर्दी था हर जाते जाते तसो तो हर पाकिस्तान में आईएस के हेडक्वार्टर से हमला किया वह आर्मी के हेडक्वार्टर से हमला किया वह क्रेडिट दीस उन जो उनको रिएक्ट या रिएक्शन न दिखार इन के खबर आ असि सब पाकिस्तानी आए जो असा पर ऐसो हाँ सजाऊ तीन जो जाहिर या कानून के कटड़ में तो ईद हो ये सब शूं यो न चे तो अज पाठो तो सुबह निकलना मुख्य जो लगे पो इन वक्त जी हालात लगन पा तो मुझे ख्याल में खोड़ सारा मानू वो मुख्तलिफ पार्टियन इंशाला पार्टी में छींदा कें मुख्तलिफ पार्टियन में वींदा मुख्य नो लगे तो हाँ तो पीटीआई जहा मू खानसाब से हूं अक्सरियत जी उनकी मानू जी छींदी सके तो एक फॉरवर्ड ब्लॉक ठे जो इनके बिल्कुल इन शहर का वाकुफ कहीं इन शहर का दुनिया के भी बुधाई तो पाकिस्तान के भी बुधाई तो मुझे जो इन वक्त आ यो चवना था फॉरवर्ड ब्लॉक एक वो इन थे लाल मल्ली साहब ज्वाइन कर दो कुछ मानू मुख्तलिफ पार्टियन में खास कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इन जो घना मानू पीटीआई जहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इंदा इन जैसे इलेक्शन थी तो असाज मानू के खास कर मोकिल वो मू मजबूर पीटीआई के पीटीआई ने शायद वो को दुश्मन भी न करें पीटीआई तो अमल तमाम एक मुल्क के तबाह कर मुल्क के क्रेडिट आर्मी फौज के
उन हुकूमत के जो उन्होंने रिएक्ट न किया कोई एक्शन न किया सूबाई हुकूमत उन्होंने रिएक्ट न किया जैसे रिएक्ट किया ठीक नवाब साहब कुछ सवाल हुकूमत डाब पैदा थियन था वो भी जरूर अवां सा डिस्कस कयूं था लाल साहब के शामिल गुफ्तगु कयूं था पुछूं था जी अवां चयो तवां के खोड़ कुछ लगे तो ते ही थी सके तो थियन वारो आ पीटीआई सा कुछ जावेद साहब भी प्रेडिक्शंस कयूं फोरकास्ट ब्या भी सामू अचन था एक्सपर्ट्स जा राय भी सामू अचन था खुद पीटीआई के पे दिसे उनन सा छा थी सके तो या जको कुछ थे तो वो छो थे पियो लाल साहब छा चवन चाहिंदो अवां नाजिया दिसो अज जी जेका ताजा तरीन खबर जेके मीडिया जेके पंजा दोस्त वदी खबर करे पेश कन था पया वो महमूद मौली साहब जी डिफेक्शन आए या उन जो पार्टी ता इस्तीफा देण आए जी पर ताहे खबर आए पर पूरे पाकिस्तान के खबर आए अग में भी वागी टीवी जणा पाकिस्तान तरीके इंसाफ सा छडे ऐ लोटा थया ऐ पर इन जी मेहरबानी ही इस्तीफा देण जी गाल कई आए पर ताकि याद हो तो जेके एमपीए पंजाब में पार्टी छडे ऐ पीपल्स पार्टी में व्या ऐ नूर लीग में व्या उन्हें जो बाय इलेक्शन में उन्हें के टिकट मिलो इलेक्शन कंटेस्ट कई तो उन्हें के एडी बुरी शिकस्त थी जो जैसे तस्लीम पीपल्स पार्टी नून लीग पीडीएम सब गजी कन था जैसे असि पार्टी के ये को अल्ताफ हुसैन की पार्टी ना है ये इमरान खान की पार्टी है 27 साल की हिंदी जदोजहद है ये पार्टी के एकड़े शहर की ना है ये वाहिद कौमी पार्टी है जो इन वक्त सिंध में पंजाब में केपी में बलूचिस्तान में चैनी सूबन में मिले थी जर ये अटेम्प्ट तोड़ की कोशिश कह तो मुख्य नो लगे तो इन कोई खास इन सभी शय जो फायद हाँ घुमाए फिराए ही जी गाल जैसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ उन चाहींदड़न उनसा प्यार कदड़न के जो धमकू दियन था वो इन वक्त आर्मी एक्ट जो दियन था उन वायलेंस जो दियन था पहली गाल इमरान खान यो क्लियर कर चुको है तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ चुका है उन वायलेंस में शामिल ना है हाँ जो आर्मी एक्ट तहत उनके खिलाफ कार्रवाई थे गाल थे थी तो उनका पैर काजी साहब समेत सभी जमहूरियत पसंद मानों के एक तो उनके रद्द करण घुर्जे तो कें सिविलियन जो आर्मी एक्ट तहत ट्रायल थियण घुर्जे नंबर वन एंड नंबर टू वो के इंक्वायरी का पैर तो क्या है केर ना है छाकाण यो फौज अगे जो कुछ चवती रही है तो उनके पोया आखिर में भी शूं निकलियन तो उनके रीचेक करण की उनकी जरूरत है हाँ बार बार अदलिया की गाल भी कई वे तो इमरान खान के अदलिया सपोर्ट करे थी अदलिया जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को उन मामले चाचे जा पुटा या को अड़ो को केस आयो है जो इन अदलिया के इमरान खान को वही लय कराई हुए करप्शन कराई हुए अयाशी कराई हुए अदलिया जो है वाहिद एक अदलिया है जो मुल्क जो ये चौदह सियासी पार्टियों आइन तोड़न थी पी उनके हेडलेस पाकिस्तान जो आइन तोड़न था पा पर ये जो सियासी जो अदलिया है वो आइन से गड़ बीठी है इन से काजी साहब समेत सब एग्री कदा तो नवे की आइन में लिखल है चूडू नवे दिन में थियण हुई अज तीकड़े भी जज यो ना तो ये चूडू नवे दिन में न थियन बाकी टेक्निकल मामलात वो कोर्टू जानन उनका जजिस जानन अगे सुप्रीम कोर्ट से हमलो कदा तो चीफ जस्टिस से इतने जे जजिस उन्होंने ही कदा इंटरव्यू अतरल मिलना भी इन ही बेंच में वेठो जो इमरान खान के रिलीफ दिनों बी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पंज जज वेठा एको जज ना हो पंज जज हुआ उन पंजन जजिस जो है वो इमरान खान के मुख्तलिफ केसन में रिलीफ दिनों गद्दारी का इल्जाम इमरान खान से हणू पाकिस्तान के पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सभी अगुआन से हणू पर यह कड़ी गद्दारी है जो इन मुल्क में कदें कें गद्दारी में सजा को अचे हर दफे जडे भी असल धड़े के का तकलीफ थे तो गद्दारी जो मुक्त मुख कायम की वे दहशतगर्दी जो थी वे इमरान खान से 200 के लगभग केस दाखिल थी चुका वो एक फादर प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान की तारीख भी ये कदें कोन है शीरी मजारी कड़ा कि वही बम पया जो दहशतगर्दी थी वही शाह महमूद कुरैशी पे जैसे दहशतगर्दी थी वही असल तुम था नंबर ऑफ फाती पाकिस्तान की तारीख में इन दफे जो गिरफ्तार थी वो बेमिसाल गिरफ्तार बार गिरफ्तार तशद उनके बावजूद पाकिस्तान की आवाम बीठी है इमरान खान का बीठी है ये जो हुकूमत है मुकम्मल तौर से कंफ्यूज है कल तो धरणू दिखो हाँ जो 14 जमायतू हैं पाकिस्तान की जे सियासी जमायतू हैं खासतौर से समझूं था पीपल्स पार्टी नवाज लीग
हाँ वो मजहबी जमायत के पोया तक लिखते नजर अचन थी। कल ही पाकिस्तान जो सबका वो जमायतू मौलाना फजल रहमान जो बी टीम थी कल ये उतने पेश थी अड़े तरीके से बेन मजहबी जमायत के पाकिस्तान तरीके इंसाफ से झेड़ो कर मुकाबलो कर लाथो वो है कल अड़े किस्म जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ ये बड़ी मुश्किल से इन खामोशी थी ही इनके बाजी में इस्तेमाल अफगानिस्तान की जंग का वी ही कदा रहा हाँ वही उ मजहबी जो पार्टी उन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो है काउंटर कर अग्या आदो अतर सागी तरह तुसो तो कल एक तो उतनी धरने में जो सख्त नाकामी थी व्यास असि उठदी को जैस तीन चीफ जस्टिस इस्तीफा न दी दह बारह कलाक को वेही सकता पाकिस्तान की तारीख जो नंढे में नंढो धरणो ये तो 14 पार्टियों गदजी भी एक बंदी वेही को इनमें एतरी दब जलन ना इनमें एतरी स्टेमिना ना तो वो बंदी को धरणो हणी सन अज वरी इन असेंबली में वरी मशक्री कई है तो तोहीन पार्लियामेंट जो बिल पास किया हाँ जे बिल यो पेश स्टैंडिंग कमेटी इनके फाइनल किया है वो चेयरमैन लोटो है हाँ एक मानू जो लोटो है जो पार्टी के डिफेक्ट करे तो गैर चबूली अमल करे तो डिफेक्शन क्लास के अंडर अचे तो उनके चो तो पेश करे तोहीन तोहीन तो पार्लियामेंट ही पा कन था एक तो इनकम्प्लीट पार्लियामेंट है उनके अड़े नमूने उनके पेश कन था जैस तई कल भी प्रेस रिलीज जारी थी आई एस पी आर की उनसे असो मौकफ तमाम सुो है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कें भी अड़े अमल में शामिल ना है जैमें को रियासती इदारन से हमला क्या हुआ हो ऑडियो लीक्स भी सामू आयू कुछ वीडियोज भी सामू आयू जैमें अगवान खुद पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो हिस्सों रहा फ्रंट फुट से नजर इंदा रहा उ पा उनमें गलंदे नजर भी अचन था तो क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ पेंजे ने केस के खणंदी जो लंडन जो प्लैन है उनकी एजेंडा से इतना जो इदारा अमल कन था पाया हुई आडियो रिकॉर्ड कन था जो गैर कानूनी अमल है यो पाकिस्तान के सभी जो सुण धुरियन जो जमहूरियत पसंद हैं उनके इनकी मजम्मत करण घुर्जे सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जजिस हाँ जजिस के फैमिलीज जडियो रिकॉर्ड थे लग वीडियो रिकॉर्ड थे लग तो पाकिस्तान की आवाम जो छो पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है उनमें क्या कहेंगे बड़ी लंबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाल साहब को आपने सुना बड़ी वो चार्जशीट पेश करेंगे हुकूमत किस तरीके से हैंडल कर रही है सारी सिचुएशन को और एक सवाल मैं भी जरूर आपसे करना चाहूंगी कि सियासी मामलात और गैर सियासी प्लेटफॉर्म क्या नतीजा इनका निकलेगा और फिर इसके जैसे कि नवाब साहब ने भी फरमाया कि बड़ा मुश्किल वक्त है इस वक्त पीटीआई का लेकिन वक्त फिर बदलते देर कहाँ लगती है तो ये जो आजकल हो रहा है इसके असरात कुछ खदशात ये भी मायरीन की जानिब से उनका इजहार हो रहा है हुकूमत भी फील कर रही है कुछ ऐसा जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बहुत शुक्रिया नाजिया मीर साहिबा अगर महमूद मौलवी लोटा है मैंने नहीं कहा बेशुमार लोटे लोटों के क्या माने जो अंतर असेंबली बैठे वो लोटे महमूद मौलवी को मैंने लोटा नहीं कहा उसको अगवा करके उससे ये सब कुछ करवाया गया है कि महमूद मौलवी को लोटा नहीं कहा चले मैं ये कहता हूं कि इन लोटों को जिनको आप लोटे कह रहे हैं इनको पीटीआई में शामिल किसने किया नंबर एक इमरान खान ने नंबर दो इस वक्त जो इमरान खान को के लिए सहूलतकारी हुई है सब चीजों को छोड़ दें 60 अरब रुपए बरतानिया से आए बरतानिया की हुकूमत ने भेजे लूटा हुआ माल जो पाकिस्तान का माल था उसको काबीना में बंद लिफाफे से मंजूरी इमरान खान ने ली सारे काबीना के अरकान उसमें शामिल किसी को कुछ पता नहीं और वापस कर दिए प्रॉपर्टी टाइकून
तो ये 60 अरब रुपए इसका रिकॉर्ड कैबिनेट डिवीजन में मौजूद है। जो बर्तानिया से पैसे आए, बर्तानिया से लेके पाकिस्तान तक रिकॉर्ड मौजूद है। ये सहूलतकारी किसने की, वो मौजूद है। इस पर मुकदमा जब चलता है तो अदलिया नहीं भाई, अदल जो है वो तो अदल के उसूल अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खुलफाए राशिदीन ने और दूसरे मजाहिब में भी, दूसरे मजहबों में भी मुकर्रर किए हुए हैं कि अदल किसे कहते हैं। अदलिया के अंदर बदकिस्मती से एक माफिया बैठा है। नवाज शरीफ का केस हो कि जनाब नाम ही नहीं है उसमें, अपना क्या कहते हैं उस केस में, फिर उसके बाद अकामा पानामा में, फिर अकामा निकाला, फिर जनाब GIT बनाई, फिर जनाब निगरान जज एजाज़ुल अहसन साहब मोहतरम जो है वो उनको निगरान जज बनाया, फिर वो हर एक अदालत के इख्तियारात उन्होंने अपने सर्द कर लिए, फिर 180 पेशियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी और दामाद के साथ भुगती। तो यहाँ क्या होता है, 60 अरब का केस है, वहां तो 3 अरब का इल्जाम था, यहाँ 60 अरब का केस है। कोई तहकीक की जरूरत नहीं है, काबीना का रिकॉर्ड लाओ, बर्तानिया का वो रिकॉर्ड लाओ, जिस अकाउंट में आए हैं वो सामने लाए, अल्लाह अल्लाह खैर सल। और वैसे मैं ये कहूंगा कि इमरान खान साहब को सच बोलने का एक टीका लगा दिया जाए, सच बोलने का टीका लगा दें, देखें कैसे फर 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 सच बोलते, सारा बता देंगे कि ये जो जलाओ घेराव हुआ है इसकी मनसूबाबंदी किसने की है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स में जाकर कौमी यादगारों को किसने दिलाया, शहदा की तस्वीरें किसने तोड़ी फोड़ी है, 65 की यादगारें रानी तो बता चुके हैं मेरे दो दोस्त, और जनाब वो जहाज सेबर जो अपना चलाया था उस वक्त MM आलम हीरो ने, उसको नुकसान पहुंचाया, आखिर क्या चाहते थे, और वो लोग लीड कौन कर रहा था। अब ये कहते हैं वीडियो तो रिकॉर्ड करना गैर कानूनी, वाह भाई वाह, यानी आप जराइम करें और उसका सबूत ऑडियो और वीडियो में मिल जाए तो वो वीडियो गैर कानूनी है। किसी ने तर्दीद नहीं की कि ये वीडियो हमारी नहीं है, कहते हैं हमारी तो है, हाँ ये मेरे बेटे की आवाज़ है, लेकिन तो काट पीट के वो अपना जोड़ा गया भाई, उसकी भी वो भेज दी गई है फॉरेंसिक के लिए। इसलिए ये सीधा सीधा केस है पाकिस्तान के साथ गद्दारी को, पाकिस्तान के सलामती के इदारे को दुश्मन के सामने जलील करने का, पाकिस्तान के सलामती के इदारों और कौमी यादगारों को तबाह बर्बाद करके पाकिस्तान को दुनिया में एक ठट्ठा और माहौल बना दिया, और कहते हैं जी हमने कुछ किया ही नहीं। अब आसान रास्ता ये इख्तियार किया है, जिन्होंने दहशतगर्दी और ये लूट मार और आज जलाओ घेराव किया है उनका PTI के साथ ताल्लुक नहीं। वाह भाई वाह, आपके MPA लीड करें, आपके सेनेटर MNA लीड करें, आपके साबिक वजरा लीड करें, सबको पता है कौन PTI का है और कौन PTI का। अब आप तर्दीद करें ठीक, तो फिर हुजूर कैंटोनमेंट बोर्ड के एरियाज में, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों में फौजी तनसीबात, फौजी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये आर्मी एक्ट के तहत ही आएगा और उसके तहत केस चलेगा ठीक। लेकिन इसके दूरस नताइज इस पर जरूर बात करते हैं कई साहब से, कैसे मैं उस पर बात करता हूँ जो आपका सवाल था जी, मैं उस पर आता हूँ। देखते हैं मामला ये है, सियासी मामला चलते हैं सियासतदान से, जिनमें लचक हो, जिनके किरदार में वतन दुश्मनी ना हो, आइन शिकनी ना हो। अब इमरान खान तो फौज को कहते हैं न्यूट्रल ना रहो, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, न्यूट्रल तो गद्दार होते हैं, मेरा साथ दो, मेरे खिलाफ अदम एतमाद को नाकाम क्यों नहीं किया, क्या ये फौज का किरदार? पहले अगर फौज ने किरदार या साबिक आर्मी चीफ ने या कई जनरलों ने किया और आपको बिठा दिया वजारत उस्मा की कुर्सी पे, तो वो सारा गैर आइनी और गैर कानूनी था। अब एक बार फिर आप कहते हैं कि गैर आइनी तौर पर मेरा साथ दो, हाँ तो तौबा करें, ऐलान करें कि ये सब मेरी गलतियाँ हैं,
मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपने ज़मीर से माफ़ी मांगता हूँ, ऐलानिया ये माफ़ी मांगे, फिर शायद वो बैठने की सूरत पैदा। ठीक से देखो फारूक साहब कैसे एक पास हुकूमत एक्सपेक्ट पे करे तो ही आई एम यू सच मुतालबो भी करे पई कलेवान अंदर भी गाल थी तो ही सरेआम माफ़ी भी घुरन रियलाइज भी कर सिचुएशन के पर कल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट बाहर थो उन पाया हुकूमत हुकूमत से ही गाल क्यों हुकूमत के होंदे असोसे उ जो पार्टीज हुकूमत में वेठल उतजाज कहते नजर आयो उन मामले के क्या पाया एक ब्रेक के लिए मुझे चाहिए कई सब ब्रेक वूँ तो ब्रेक का अच्छी इतना ही गुफ्तगु नाजी उनके कंटिन्यू कंदे मुख्तसर ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम में वहाँ बीहर भलीकार चाहूँ ब्रेक का अग कई सब सवाल छो कई सब चवन नाजी बेसिकली जो डायलॉग हो वो खत्म थी जका बार्गेन पावर हुई पीटीआई जी सा खत्म थी वही पीपल्स पीटीआई जो पे इंटरनल बोहरान में हली वही शायद इन पार्टी के जो हलाइंदड़ा हैंडलर्स उनका एजेंडा दिसो जनरल बाजवा छा ना कयो जनरल बाजवा ये डीनोटिफिकेशन कई तो रात जो 12 बजे सुप्रीम कोर्ट वेठी है वो हेलीकॉप्टर को चवन था लथो है इवन बीबीसी में भी जो सो या खबर आई तो उनके मार बार कड़ी इमरान खान के उनखा पो जो सो वरी आर्टिकल 63A लिखी वरी इनके पंजाब गवर्नमेंट दियार वहीं बाजवा साहब की पूरी कोशिश तो जो सो अचे बारह जनरल रखी हुआ जो जनरल जनरल आसिम मुनीर के रखना उ पा रखी हलो ये आसिम मुनीर साहब के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे चाहन ही को इट्स अ काइंड ऑफ अ कू बट फेल्ड कू दिस इज एन एक्ट ऑफ मेल्टिंग डाउन द सिस्टम लॉन्ग मार्च कई आसिम मुनीर के खिलाफ जनरल साहब के खिलाफ ही तो जो पूरे टे चार सर्विंग जनरल टे चार रिटायर्ड जनरल पंज छह टे सुप्रीम कोर्ट जा जज हाई कोर्ट जा जज पूरी जका है अंदर वेही तो ही टेक ओवर कंदास या तो ही मार्शल आ हाने या तो टेक ओवर कंदास सजो अटेम्प्ट कू जो पाकिस्तान जो तारीख जो पर्यों नाकाम कू दिस वॉज अ कू इट वॉज मैनिफेस्टली उनकी पूरी शकल जो बे थी पी वह कू वारी है पूरा जो सो मॉस्को में जो ये निकरी आया मू या अयुद्गान के खिलाफ जी मू निकरी आया या पूरा पूरा कुक कर अजीब मू शाहिद आफरीदी वा छका तो नहीं मान सियासत में या अल्ताफ भाई के बारा अल्ताफ भाई के इन कर अल्ताफ भाई लंडन वेठो इन सभी के बेचारे गरीबन के माराया वही सारी पूरी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी पार्टी हुई उनका इंटरेस्ट और सजे इंटरेस्ट के तितर बितर कर छी आखिर में टी चाली आरटीए सिस्टम फेल कर पीटीआई आते जैसे एमएनए एमपीए सेनेटर पैदा कया व्या नाउ थिंग इज दैट दिस पार्टी लाइक एमक्यूएम इज एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस सजो सिस्टम ही खत्म थी इवन जो असो कल जलसो थे बंदयाल साहब बंदयाल साहब की लैंग्वेज चेंज हुई इवन जो शादी थी उतना मजार नकवी साहब के पुट की वगैरह की उतने कुल टे जो सुप्रीम कोर्ट आ जजन उनमें ट्रेन के दावत कान दिनी उन साहब काजी फायसा के एक पूरी डिवीजन दिसण में थी अचे पी उन सो जहाँ सपोर्ट न हुई जस्ट अस जनरल साहब के आसिम मुनीर साहब के वो सभी गड़ी वह ठीक है तो जो खटे वन अगर नहीं अटेम्प्ट कू न हो कामयाब कू हो पीएमएल एन वही पीपल्स पार्टी वही सिंपल गाल नहीं तो माना आया ठारो साहब किताब न या तो छको हणो या आउट थी वनो तो इन नहत से पॉलिटिक्स के कें पहुंचा अल्ताफ हुसैन के हैंडलर्स पहुंचा के माना प्लेयर्स जनरल फैज अमीर टाइप मानू आ कि एक्टिव भी चवन था पा तेखा नाजिया जना हाउस कोर कमांडर जो हाउस उन कचहरी वेठा कन कोर कमांडर उन घरवारी जो कचहरी वेठी कर घरवारी रिकॉर्ड आ कुछ गाल भी क्यों तो थिंग वॉज दैट कि वो सजो जो कू हो अटेम्प्ट वो नाकाम कू हो जैमें एक पूरे पूरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रेड़े पे वन चाहन इमरान खान साहब कमाल है जमाल भी है मुझे ख्याल में हाँ माना जी टाई आ He has lost and मूं तक अगमें भी ना चाहिए इन सारी आर्टिफिशियल है पॉपुलरिटी ये जो आज चार चैनल वो चैनल दिसो हाँ तब्दील कर बट एनकर तब्दील कह ये मौलवी साहब आ खबर जो है
वो समझो पवा ता वो असर होडे भी नजर इंदा पर नवाब साहब काई साहब ही गाल अस नवाब साहब का पुछू था काई साहब जुल्फ सिद्दीकुल फारूक साहब बन तो ही जका सिचुएशन अस के नजर जे हुकूमती पासे ते भी तमाम घणो ध्यान आ समूरी सूरत या जाहिर आ जका ही जेकरे ही जका हन वक्त सूरत या नजर अचे पई तमाम घणी एनार्की आ है तमाम घणी पोलराइजेशन आ है को गड़जण जो को वेहण जो को इम्कान कें पास ना को आसार नजर न पे अचे तो हि सूरत हाल किथे वही बीहंदी इन जहा कड़ा नतीजा इंदा इन जला खुद हुकूमत केतरी तैयार है सोचे पी तो क्या इनके हैंडल करो है नवाब साहब छा चवंद दिसो इन वक्त जेकी सिचुएशन आ जिया साई जावेद साहब बुझाई तो वाकई डिफिकल्ट आ मैशत जी तो तक मात अग में पीटीआई दोस्त गलो दिसो जुडिशली कें एक पार्टी से न होंगी वो सभी लाए बराबर के बुनियाद से सब कुछ हैंडल कंदी तसो तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हेडो वो शहीद कह वो फांसी से लटकाया वो उनमें जुडिशली किरदार रो मोहतरमा की एडी वी शहादत उनमें जुडिशली रो आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल जेल रो उनमें जुडिशली कड़ो किरदार रो दिसो में असान जे मानों के खोड़ एड़ी एड़ी सजाओं मिली अन्या तो इनके केस असान जा मानों भुगतन था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था तो उनमें कह जो कड़ो छारो रहो दिसो कानून सपनी ला एक जड़ो हों कानून बराबरी की बुनियाद से हों दुनिया में काथे वो तो कानून बराबरी की बुनियाद से हलन तदें उनके कानून चबो आते दिसो एक ला कानून एकड़ो आे बो आयो आ ऐं बदकिस्मती सां असांखे इहे लफ़्ज़ जेके चऊं पिया इहे न चवणु घुरिजनि ऐं इन जे करे चऊं थो पए त जॾहिं कानून जी लताड़ थींदी आहे जॾहिं इंसाफ़ जी लताड़ थींदी आहे त पोइ मजबूरनि माण्हू चवंदो आहे हाणे हेॾो वॾो जेको पाकिस्तान में जेको ख़ासि करे जेकी लताड़ थी आहे हेॾी वॾी तबाही थी आहे असांजा जेके वॾा इदारा आहिनि जेके मुआफ़िज़ आहिनि इन्हनि जेके बॉडरनि जा उन्हनि ते एॾो वॾो अटैक थियणु ऐं एॾो वॾो मतिलबु गहरी वञणु त मुंहिंजे ख़्याल में इहो ॾाढो ॾुखाईंदड़ ऐं डिफिकल्ट आहे उनखे जेकॾहिं ईअं आराम सां बेल मिली वञे कंहिंखे उनजे माण्हुनि खे आज़ादु कयो वञे ऐं उहे ई माण्हू जेके ख़ासि इनवॉल्व आहिनि उन्हनि खे छॾियो वञे कंहिं इदारे तरफ़ां तो इहो बेसिकली इहो 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 हू को भलाईअ जो कमु कोन था कनि इहो पाकिस्तान खे हिकिड़ी तकलीफ़ ॾियनि था ऐं पाकिस्तान जे अवाम खे तकलीफ़ ॾियनि था ऐं जेको नुक़सान थियो आहे अरबनि में खरबनि में नुक़सान थियो आहे उहो कॾहिं हिन जो मुतहमिल न आहे जेको हेॾो वॾो नुक़सान थियो आहे त उनजे बावजूद त एॾो रिलीफ़ मिले त पोइ त मूंखे लॻे थो त हिन वक़्तु जेकी सिचुएशन आहे ॾाढी डिफिकल्ट आहे ॾाढी डिफिकल्ट वेंदी ऐं जेकॾहिं इहो ई सिलसिलो ईअं ई हलियो त पोइ ॾाढो वक़्तु ॾुखियो ईंदो ऐं ॾाढो पाकिस्तान जो आम तकलीफ़ में ईंदी ख़ासि करे सियासत जेकी आहे वॾी तकलीफ़ में ईंदी ऐं सियासत हिन वक़्तु ईअं सम्झो टम्परेचर ते हले थी ऐं पाकिस्तान जी सियासत उहो पाकिस्तान जी सियासत खे अहम रोल अदा करणो पवंदो ख़ासि करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ खे ऐं आसिफ अली ज़रदारी साहब खे जेको हर को माण्हू चवंदो आहे सियासत जो बादशाह ऐं जॾहिं बि निकिरंदो आहे त उन मसइले खे हल करे पोइ निकिरंदो आहे उहो चाहे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में उनखे निकिरणो पवंदो आहे जेकॾहिं सियासत असांजी कामयाबु वञे थी त मुंहिंजे ख़्याल में पाकिस्तान बि तरक़ी कंदो ऐं पाकिस्तान बि अॻिते वधंदो जेकॾहिं असांजी सियासत फेल थी वञे त पोइ असांजे पाकिस्तान खे बि तकलीफ़ असांजे माण्हुनि खे बि तकलीफ़ ऐं ख़ासि करे जेको हिन वक़्त जे दौर में जेको खाइण पीअण लाइ जेके टे वक़्त जी माण्हू मानी खाइण लाइ पाकिस्तान में परेशान आहिनि ऐं उहा खान साहब जी हुकूमत ऐं खान साहब जी नालाकी जे करे सॼो जेको डॉलर जो फ्रस्ट्रेशन थी आहे उहो सिर्फ़ु खान साहब जी हुकूमत जे करे ऐं खान साहब जेको IMF सां मुआदो कयो हो जेको हुन एॾो वॾो ख़तरनाक हुयो जेको मजबूरनि असांखे उहो पाकिस्तान जी हुकूमत चयईं थी ऐं उहो उन ते इल्ज़ाम अची वियो हालांकि इहो न वठणु घुरिजे ऐं सॼो कर्तूत ख़बर पइजी वञे हा त खान साहब खे हेॾो वॾो जेको आहे सो रिलीफ पियो मिले त मुंहिंजे ख़्याल में हाणे सोचणो इहो आहे त ॾिसो जा त पाकिस्तान आहे पाकिस्तान आहे त सभु कुझु आहे पाकिस्तान बदकिस्मती सां जेको दुश्मन मुल्क आहे दुश्मन ममालिक आहिनि उहो पाकिस्तान खे ज़ाहिरी ओहिड़े नमूने सां
दिसन पाई खुश पा थे ही माँ बे वीडियो क्लिपू दुश्मन मुल्क जो ये पा शो कन जो को मतलब वाकई को वो जी सो अस एडी महसूस भी क्यों पाँ पा उन सिचुएशन की घुर्ज है जड़े किस्म जो कदम हुकूमत खणे पी ये सवाल भी पैदा थन पा लाल साहब नवाब साहब एक गाल कई तो समझन पाया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या खास कर पीपल्स पार्टी की क्यादत है लेकिन वह सामू अचे थी तो इन क्राइसिस जो हल कढ़ी सके थी जो प्रिवेलिंग है कि अवां छा चवंदो दिसो राजा जेकर पीपल्स पार्टी जो हल कढ़े सके थी ए कढ़ण चाहे थी तो पीपल्स पार्टी के केर भी इनकार नाहे कयो मो के पेरी अर्ज कयो तो पेरी में पाकिस्तान तरीके इंसाफ पंजी लचक जो मुजाहिरो कयो गालिन में वेची हुकूमत जहाँ जे मुतालबात हुआ उनमें पीपल्स पार्टी शामिल हुई यूसुफ रज़ा गिलानी शामिल हो मुतालबात हुआ तो इलेक्शन एक ही थे खे 14 मई से न थे खपन निगरान हुकूमत हो रिजल्ट ही तो कबूल कौ पाकिस्तान तरीके इंसाफ उ सब गाल कबूल क्यों पर उन बावजूद ही एक ढी भी अग में असेंबली टोड़ राजी न थिया में कें किस्म की को लचक जो मुजाहरों हुकूमत के तरफा न थो अच्छा हाँ गाल बार बार तो इमरान खान एक तो काजी साहब चुको हिंसर इल्जाम हो तो ये को बगावत थी वही कू थी वही यह गाल एडो वो इल्जाम तो फौज पा को पे हड़े कल कोर कमांडर की प्रेस जो मीटिंग थी उनमें यो इल्जाम को हयो वो जो हिंसर काजी साहब हड़े तो पो हाँ यह समझ में कहती अचे तो जो इदारो खुद है वो भी किस्म का इल्जाम नो हड़े तो असर हरूभरू बदी चढ़ी अड़ा इल्जाम हड़न की कड़ी जरूरत है बी गाल है तो बार बार ये चयो तो वे सभी जो पाकिस्तान जो दुश्मन खुश थे पाकिस्तान जो दुश्मन अज पे दफो खुश थे हि बाजवा साहब की जो स्टेटमेंट ही जो मुल्क के सभी वन साफियन हामिद मीर समेत जो अची उन्होंने बुधाई तो अस जो कूड़ से बदली तो अस टेंकुन में तेल कान्ने अस जो है बंदूक लाए का टेंक जहाजन लाए अस तेल को इंडिया का नथा विड़ी सकूँ तो कुछ इन जो पाकिस्तान के नुकसान को जो स्पीकर हो अयाज सादिक साहब उन्हें जैसे यो बयान दिनों हो आर्मी चीफ वोट आयो तो अभिनंदन के छड़नो पवो जो टंगू जी डकी रही हुई जो मोदी पैं तकर में उसे खिताब कर इंडिया में बुधा तो मैंने कुछ नहीं कहा वो खुद बोल रहे हैं उन्हें पाकिस्तान के नुकसान को इन सभी धुरन गरजी बेनजीर साहिबा से कूड़ा इल्जाम आया तो बेनजीर साहिबा जो है सिखन जो जे उत आजादी पसंद सिख हैं उन सभी जो लिस्टू जो बेनजीर साहिबा इंडिया के हवाले क्यों उनके नतीजे में एक पूरी तहरीक खत्म की वही तो उन वक्त ये नुकसान को ऐसो योड़ो मखसूस तबको पाकिस्तान में हमेशा गद्दारी जा बगावत जा ये सर्टिफिकेट खो पे घूमे हाँ उन में सिंध जहा के मू शामिल अगे तो तमाम घट हुआ या न होने के बराबर हुआ तो हाँ उनकी मुख्य खबर नी पे हाँ कोर कमांडर हाउस तक बुधा तो उसे घर में गिड़ी आ कचरी वह असा जो सवाल यो है इमरान खान सवाल पूछे तो कोर कमांडर तो अभी के थाड़े से ते शहर में जो थाड़ू होते तो वही दिखा कोर कमांडर के घर से मू की पौता उस सिक्योरिटी के गुम थी वही वो ये एकदम पोची आड़ो टाइम लगो मानून के पोचण में जिन मेल मू इंस्टॉल किया मानून के उन धोवियो मानून उन्होंने मिसगाइड कर इन सजे दौर में पुलिस किथे हुई रेंजर्स किथे हुई जैसे कोर कमांडर हाउस से पौता तो उनका पैंजा गार्ड किथे हुआ तो यो सजो एकड़ो ड्रामो है जो पाकिस्तान की आवाम चंगे नमूने समझे थी बाकी सभी गालन के सभी गालन के छदे जका सादी गाल या कजे थी पाकिस्तान जहाँ फौज हो सिविलियन मानू हुजन जैसे पान में एक बे जहाँ मर्डर थियन मानू नुकसान थे जाहिर या नुकसान तो आवाम जो थी ना उन शय के बचाओ हि कड़ी गाल पो करे तो जो सो फौज गायब हुई या ही हो सो पे तो मानून के जो ये जे उन्होंने हथियार वेपन्स जाहिर होडो हूँ टेक हेडो ही
ॾिसो ही त उहो ई मोर्चनि में हूंदा आहिनि पर हाणे जेकॾहिं हुन में हुन शइ खे बहितर कयो आहे, उन शइ खे आउट कयो आहे, उन शइ खे पाण खां स्क्रीन तव्हां हुनखे कयो आहे, त इनखे अहिड़े नमूने सां चवणु मुंहिंजे ख़्याल में ग़लति आहे। हीअ हिनखे अहिड़े लफ़्ज़ ॻाल्हाइण ई न घुरिजनि ऐं इहो चवण ई न घुरिजे त जेको असो पाक आर्मी हेॾे होॾे थी वई या ग़ाइब थी वई, पुलिस ग़ाइब थी वई, ही थी वई। ज़ाहिर तव्हां माण्हुनि जे तव्हांजे अॻ में हेॾी वॾी प्लानिंग हुई, तव्हां हिकिड़ी हिकिड़ी जेकी मुतालबो करे पई त आज़ादाणी जांच थियणु घुरिजे, जेतोणीकि वीडियोस बि आहिनि, खोड़ मामला बि आहिनि, पर बावजूद पसंद तरीक़े सां थिए पई, न पई थिए आज़ादाणा थिए पई। ऐं ही त तमामु वॾो इशू आहे, आज़ादाणा थियणु घुरिजे। असां बि तव्हांजे तौर सां इहो ई चवंदासीं त इंसाफ़ कॾहिं बि मरंदो कोन्हे, इहो थियणु घुरिजे। हेॾी वॾी जेकी ज़्यादती थी आहे, हेॾो वॾो जेको इदारनि सां क़ाइदे आज़म जे घर सां हेॾी वॾो जेको कुझु थियो आहे, त उन में तव्हां पाण सम्झी सघो था। बाक़ी हे जेके हिन जा मिनिस्टर, हिन जा एम एन ए, हिन जा एम पी ए, इहे छा था ॻाल्हाइनि, छा था चवनि, कंहिंखे था ॾियनि? लाल माली खे ख़बर ई कोन्हे, मां हुनखे वीडियो मोकिलियां थो, हुनजा जेके मिनिस्टर सिटिंग आहिनि उहे हिन शइ में इनवॉल्व आहिनि, उहे सभु कुझु इहो उन्हनि ते उनजे करण सां ई सभु कुझु इहो थियो आहे, इहे कहिड़ी ॻाल्हि पियो करे? जी सिद्दीक़ुल फारूक़ साहिबु, शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात होनी चाहिए सारे मामलात की। नवाब साहब को सुना आपने, लाल साहब को सुना, क्या कहेंगे आप? ये शफाफ तहकीकात तो मैंने अर्ज़ किया होनी चाहिए, लेकिन चूँकि दरख्वास्त लिखनी पड़ेगी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को कि एक बेंच बनाए, एक जो है वो तहकीकाती कमेटी बनाए, तो उन्होंने बनानी है पंजाब में, चीफ जस्टिस को लिखनी पड़ेगी, तो वो चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं वो बनाएंगे, तो तहकीकात होनी चाहिए लेकिन अदल के मुताबिक। मैं अपने पहले भी कहा दोस्त लाल मली साहब, लाल मली साहब कहते हैं जी मुज़ाकरात में ये हो गया तो वो हो गया, मैंने याद दिलाता हूँ, ये बड़े समझदार आदमी हैं, जानबूझ के हकायक बयान नहीं करते, इधर उधर हो जाते हैं। भाई आपके इमरान खान ने लाहौर हाई को अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलते हुए कह दिया था कि 14 मई को अगर सारी असम्बलियाँ ना तोड़ी तो मैं अपनी ये शर्त ना मानी तो मैं अपनी मुज़ाकराती टीम वापस बुला लूँ, बस उन्होंने वापस बुला ली। तो इसलिए अपने लीडर के जो आमाल हैं उन पर नजर रखें। दूसरी बात, जो नई तजवीज आई है सिद्दीक़ुल फारूक़ साहब फिर से मुज़ाकरात की, उस पर कोई गौर हुकूमत करने का सोच रही है? मैं मुज़ाकरात पे भी आता हूँ, फिर आता हूँ जी, लेकिन इन्होंने कहा कि अपना कोर कमांडर के घर लाहौर में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, इसका मतलब है कि अगर घर वाले घर ना हो, सिक्योरिटी कमजोर हो, या घर में एक आध बंदा हो, दो बंदे हो, तो चोर जाके चोरी कर लें, डकैती करें, उस घर को जला दें। और फिर चोर किसको कहते हैं? घर में अगर 100 बंदे हो तो उधर तो चोर नहीं आएगा ना, ये पता चल गया कि चोर कौन है, ये डकैती करने वाले कौन है, ये आग लगाने वाले दहशतगर्द कौन है, ये पता चल गया। तीसरी बात यह है कि सियासी प्लेटफॉर्म, हाँ तीसरी बात फिर मैं याद दिलाऊं जी, भाई आपका लीडर, आप अपने लीडर को बड़ा ईमानदार कहते हो, आप कहें 60 अरब रुपए का तो मैंने बताया, हर रिकॉर्ड मौजूद है, वो 350 अरब आरिफ नकवी के, उसके हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान ने की, आप क्लिप अगले प्रोग्राम में चलाइए, क्यों उसने थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का कौन कर रहा है? मेरे पास लास्ट मिनट है जावेद साहब का, मुझे फाइनल कमेंट इस पर लेना है। सुन ले जी, आइन और कानून की रोशनी में बिल्कुल मुनसिफाना मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन वो लोग जो मुजरिम हैं उन्हें सजा ना मिले तो उनके साथ क्या मुज़ाकरा? ठीक, कैसा फाइनल कमेंट? जी ना, एक बड़ी अहम चीज में इस तरह लेते हैं कि हमारे एक जस्टिस मुनीर साहब होते थे सुप्रीम कोर्ट के, कोई 200 केस है या जो भी है, मतलब हमारे अयूब साहब ने जब मार्शल लगाई थी जनरल, तो उसने कहा था कि हर कामयाब कू जो है वो खुद अपनी राह लेता है और कानून में, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कहते हैं। देखिए, जब आइन को इन्फ्लुएंस किया जाता है, उसको निकल के उसने आपने 111 ब्रिगेड मूव करके कब्जा करते हैं,
तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आती है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ज्यूरिसप्रूडेंस में है द फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज वेट्स टू द पॉइंट टू द डॉक्ट्रिन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। हाने अब ये जो कू नाकाम हुआ है, क्योंकि वो हर नाकाम कू तो अपनी जगह नहीं बना सकता है, तो मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये पूरा एक साल कांस्टेंट झगड़ा कांस्टेंट झगड़ा कांस्टेंट वार, 60 सीटों पे खड़ा हो जाता हूँ, 60 सीटों पर इस्तीफा दे देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। तो इस वक्त जो खान साहब ने जो छक्के और चौके और आखिरी बाल पे 50 रन वाले जो करने थी, उस पर खान साहब मिडिल विकेट जो है अपनी गंवा चुके हैं, एंड ही इज नाजिया आई एम सॉरी टू से हिस्ट्री इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। ठीक है साहब, प्रोग्राम के वक्त पे पूरो दिते मांजी वरी मेहरबानी। लाल माली साहब, नवाब अली वसाण साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब बे गुफ्तगू में जो हिस्सो वरतो। नाज़रीन पंजे फीडबैक का असा के जरूर आगाह करजो। वरी सुभाणे मां सां मुलाकात कंदासीं। देसाईं दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।